हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 17 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स अबिलिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ, फिर हम आज के कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आज जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें पहला आर्टिकल हमारा है वो है स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर। तो कंटेक्स्ट क्या है, वो कंटेक्स्ट देखते हैं। कंटेक्स्ट देखो, अभी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो केरला की यात्रा पे गए थे और वहां उन्होंने जो केरला में स्पिरिचुअल सर्किट बनाया जा रहा है उसके तहत तीन इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल हैं, जो एक तो आपको बता दूं यहाँ पे श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है और एक यहाँ पे है वो है आर्यमुला टेम्पल और एक है सबरीमाला टेम्पल। तो इनको लेके स्पिरिचुअल सर्किट है वो बनाया जा रहा है, तो उसको लेके भी बात यहाँ पे आई है या उसको डेवलप करने की बात यहाँ पे फोकस की गई है। अब देखो, हम ये देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल सर्किट है वो है क्या। देखो, हम इसके बारे में जानते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत पहले, क्योंकि जो स्पिरिचुअल सर्किट है वो स्वदेश दर्शन स्कीम का ही एक पार्ट है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की, उसके द्वारा स्वदेश दर्शन स्कीम है वो लाई गई है। और इस स्कीम का मेन मोटो ये रखा गया है कि हमारे देश में अलग अलग एरिया में अलग अलग डाइवर्सिटीज हैं, तो वहां पे क्या होगा, थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट है वो डेवलप किया जाएंगे। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का जो टूरिज्म सर्किट है वो अलग तरीके का होगा, वहां पे ट्रेवल्स एरिया तो उनको फोकस किया जाएगा। साउथ के अंदर जो केरला में बनाया गया है वो है स्पिरिचुअल सर्किट बनाया गया है। उसके बाद उत्तराखंड के अंदर चार धाम है, तो वहां पे चार धाम के आधार पर जो स्पिरिचुअल सर्किट है वो बनाया, सॉरी जो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत सर्किट है वो बनाया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में जितनी डाइवर्सिटी है उसके आधार पर अलग अलग तरीके की थीम बेस्ड सर्किट है वो तैयार की जाएंगी और वहां पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। टूरिज्म को प्रमोट करने का मतलब देखो ये हो गया कि जैसे वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज होगी, जैसे खाने पीने की सुविधा हुई, इसके साथ ही जो टूरिज्म ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो उनको अवेलेबल हो सके, तो इस तरीके की फैसिलिटीज वहाँ पे प्रमोट प्रोवाइड है वो करवाई जाएंगी, जिनका फायदा ये होगा कि जो भी टूरिस्ट आएंगे वो आराम से उस जगह पे जा पाएंगे। अभी क्या होता है, देखो हमारे देश में जो भी टूरिस्ट एरिया है काफी सारे ऐसे हैं जहाँ पे तो फैसिलिटी अवेलेबल है, बट बहुत से एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया जा रहा है और इसीलिए स्वदेश दर्शन स्कीम है वो लाई गई है। और ये ध्यान रखना है कि जो स्वदेश दर्शन स्कीम है इसमें जो पैसा है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, मतलब सेंट्रली फंडेड स्कीम है और इसमें जो वॉलंटियर बेसिस पे भी फंडिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। जिस तरीके से देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो CSR होती है, इसका पैसा भी वॉलंटियर फंडिंग के तौर पर स्वदेश दर्शन स्कीम में यूज किया जा सकता है, तो यह फिक ध्यान में रखना है। और इसके लिए एक नेशनल स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई है NSC, ये नेशनल स्टेयरिंग कमेटी है, ये क्या काम करेगी, इसका काम ही होगा कि जो भी इसके मिशन के ऑब्जेक्टिव हैं, जो विजन है उनको ढंग से इम्प्लीमेंट करना, उनके ऊपर इसका फोकस रहेगा। और इसके जो चेयरमैन होंगे नेशनल स्टेयरिंग कमेटी के वो रहेंगे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एज चेयरमैन, मतलब जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है वो इसके चेयरमैन रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे लिए होगी, UPSC पूछ सकती है कि नेशनल स्टेयरिंग कमेटी किस रिलेटेड वगैरह, तो हमें ध्यान में रखना है कि स्वदेश दर्शन स्कीम को यह लेके रिलेटेड है। तो ये तो हमने कंटेक्स्ट जो पूरी न्यूज उसको कवर किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है वुमन या इनिशिएटिव को लेके। तो देखो वुमन इनिशिएटिव है क्या वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं GEM के बारे में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस है क्या। देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस है वो एक 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सेटअप है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का किया हुआ तैयार सेटअप किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा मतलब रेगुलेट है वो किया जा रहा है। अब ये जो मार्केट प्लेस बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा GEM, इसका काम ये है कि जो को गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों का प्रोक्योरमेंट करना होता है। अब आप एग्जाम्पल ले लो कि जिस तरीके से मान लो कि डिफेंस मिनिस्ट्री है या फिर और मिनिस्ट्री ले लो टेक्सटाइल वगैरह, तो गवर्नमेंट को काफी सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं, काफी सारी चीजें गवर्नमेंट भेजती भी है मिनिस्ट्रीज, तो उनके लिए एक पोर्टल बनाया गया है कि भाई जैसे कोई भी मिनिस्ट्री को कुछ चीजें खरीदनी है तो उस पोर्टल पे अपनी रिक्वेस्ट डालते कि भाई हमें ये चीज चाहिए इस रेट पे, तो वहां पे जो भी सस्ते सेलर होंगे जो क्वालिटी वाले होंगे वहां पे अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें कि हाँ भाई हम आपको इस रेट पे ये चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसका फायदा क्या होगा, एक तो करप्शन का जो मामला होता है वो नहीं होगा और एक अच्छा माहौल है कंपटीशन है वो तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट कुछ सेल भी करेगी, मतलब गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं जो PSUs वगैरह है अगर वो भी कुछ सेल करेंगी तो वो भी यहाँ पे सेल कर सकती है कि हाँ भाई हम ये चीज बेचना चाह रहे हैं इस रेट पे, ये हमारे पास रद्दी है इसको हम बेचना चाह रहे हैं, जिसको भी लेनी है वो इससे ले सकते हैं। तो इस तरीके का काम ये प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका नाम है GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब एक पोर्टल बनाया गया है जिस तरीके से फ्लिपकार्ट अमेजोन है ना, उसी टाइप का एक पोर्टल है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे ये देखो फेक तो इम्पोर्टेंट ये हो गया कि 100% गवर्नमेंट का, UPSC पूछ सकती है कि भाई 50% स्टेट गवर्नमेंट का योगदान है 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी के तहत पे इसको रजिस्टर किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को रेगुलेट है वो करती है। काम क्या है इसका, जो कॉमन यूज की गुड्स और सर्विस है जो कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं उनको लेके आपकी चीजों को सेल है खरीदारी है प्रोक्योरमेंट वगैरह के काम किए जाएंगे।
अब देखो इसी के तहत गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जीईएम के तहत, वो है वुमन इनिशिएटिव। वुमन इनिशिएटिव का मतलब भी है कि जो जीईएम है ना, इसके अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन है ना, इसको प्रमोट किया जाए। देखो हमारे देश में जो वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन है वैसे तो काफी, हम बोले कि मतलब गवर्नमेंट के अंदर अभी काफी सारी स्कीम आई है, उसके बाद गवर्नमेंट में वुमेन का जो इनिशिएटिव वो ठीक ठाक रहा है, मतलब गवर्नमेंट का सॉरी वुमेन का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। तो हमारे देश में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसका नाम है वुमन इनिशिएटिव। तो ध्यान रखना है कि जो वुमन इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के तहत स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बेचा है, खरीदा है, वो जाएगा। तो यह ध्यान में रखना है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि एक तो हम जो जेंडर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अचीव कर सकते हैं। देखो जो समावेशी आर्थिक विकास की बात की जाती है बार बार कि हमारे देश में जो जेंडर गैप काफी ज्यादा हो रखा है, वुमेन्स का इकोनॉमी पार्टिसिपेशन कम है, उसको हमें उसकी पूर्ति करनी है, तो उसके लिए वुमन इनिशिएटिव एक तरीके से काफी अच्छा काम है, वो कर सकता है। तो ऐसे पॉइंट हम आंसर राइटिंग में यूज है वो कर सकते हैं। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भाई ये देखो बेसिकली जो पॉइंट है यहाँ पे तीन, ये हम मेंस की जो आंसर राइटिंग है ना वहां पे इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो ये तीनों फैक्ट कुछ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसमें ये दिया गया है कि हमारे देश के अंदर के जो वुमेन्स के जो बिजनेस वगैरह है, जो इनको एंटरप्रेन्योर्स के मामले हैं, उसमें 80% जो प्रोग्राम है वो ऐसे हैं कि जो वुमेन है वो खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करी है। मतलब ये है कहा गया है कि मैक्सिमम जो 80% बिजनेस हैं जो वुमेन के द्वारा सेटअप किए गए हैं उनमें जो पैसा है वो वुमेन खुद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, मतलब उनको कहीं बाहर से हेल्प वगैरह नहीं मिलती है। फिर डाटा दिया गया है कि लगभग हमारे देश में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी संख्या है लगभग 8 लाख और उन 8 मिलियन और उन 8 मिलियन का मतलब हो गया 80 लाख और उन 8 मिलियन में से 60% तो ऐसी हैं जो कि काफी सोशल चैलेंज सेक्शन से आती है, मतलब उनकी सामाजिक हालत है वो ज्यादा ठीक नहीं है। इसके बाद में ये कहा गया है कि जो वुमेन यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे काम कर रही है 60% भी, उनमें जो 90% जो उनकी अर्निंग होती है, जो उनकी जो कमाई होती है, वो तो उनके जैसे घर के जो रोजमर्रा खर्चे हो गए इनमें चली जाती है, जैसे कि हेल्थ केयर होगी, एजुकेशन होगी, बच्चों के फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने में, ऐसे मामलों में ही चली जाती है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो अपनी इनकम का मैक्सिमम हिस्सा अपने पर्सनल काम से घर वगैरह में खर्च कर पा रही है, इसका मतलब वो अपने बिजनेस को आगे और ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाती है। और इसी के तहत गवर्नमेंट यहाँ पे उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा रही है कि भाई वुमेन को एक तरीके से थोड़ा माहौल मिल गया, उनको मौका मिले कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें और उनकी अच्छी ग्रोथ है वो भी हो सके। तो वुमेन इनिशिएटिव लिया गया है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट 5 है, देखो ये हमें ध्यान रखने हैं, काफी इंपॉर्टेंट टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। जो पांचवा टारगेट है वो क्या कहता है, जेंडर इक्वलिटी और इम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। तो इसको भी एक तरीके से अचीव करने में इंडिया को काफी हेल्प है वो इससे मिलेगी। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है 124th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर। देखो वैसे तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, बट आज फिर भी हम 2-4 पॉइंट्स उनको कवर कर लेते हैं। अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक प्रस्ताव लाया था और वो बिल भी पास हो गया और प्रेसिडेंट की उसको अनुमति है वो भी मिल गई, मतलब कि कानून है वो बन गया है। कानून क्या था कि जो जनरल क्लास है इसके अंदर भी अभी इकोनॉमी के बेसिस पे रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा 10%। अब देखो इसमें 2-3 चीजें फैक्ट बन जाते हैं मोटे मोटे। एक तो यहाँ पे आता है आर्टिकल 15-16 और आर्टिकल 46, तो इनको हम देखते हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि हमारे देश में रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे भेदभाव है वो नहीं हो सकता, इसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये हमें वर्ड ध्यान रखने, रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता। इसके बाद में आर्टिकल 16 ये कहता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है गवर्नमेंट जो ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो भी नहीं हो सकता, मतलब एक तरीके से भेदभाव वो नहीं किया जाता गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर के रोजगार के मामले में, तो वहां पे भी आर्टिकल 14 का यूज है वो हो रहा है। तो ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वर्डिक्ट आया था अभी, उन्होंने कानून बनाया उसको लेकर यहाँ पे यूपीएससी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है। और आर्टिकल 46 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 46 ये कहता है कि गवर्नमेंट को कि वो एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आधार पर जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए कोई भी प्रोग्राम वगैरह चला सकती है या सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए हेल्प उनको दे सकती है। अब देखो जो हमारे देश में जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है 10% इकोनॉमिक बेसिस पे, वो हम देखते हैं कि उसका क्राइटेरिया क्या है। उसके 3 क्राइटेरिया रखा गया है बेसिकली। एक तो यह है कि उनकी एनुअल इनकम है, जिन परिवारों की 8 लाख से कम उसको इस रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। दूसरा ये रखा गया है कि जिनके जो जमीन वगैरह फार्म लैंड वगैरह वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए, और जो लोग एक तरीके जिनका घर वगैरह बना हुआ है वो एक्चुअली 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, और अगर वो म्यूनिसिपल एरिया में रह रहे हैं तो वहां पे उनका जो घर है वो 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे ध्यान में रखना, कुछ बेसिक फैक्ट है जो।
अब देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो पहले की वर्डिक्ट है, आपको पता है कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार बार पहले भी कहा है कि भाई जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं दे सकता, जबकि आपको पता है कि अभी आरक्षण है वो हो गया है 59% के आसपास, तो इसका मतलब आरक्षण की लिमिट है वो क्रॉस हो गई है। तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट देखते हैं। देखो आपको एक तो ये केस ध्यान रखना है, इंदिरा सानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा सानी वर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया केस है वो था 1992 में, और इसमें ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो ना ये एक्चुअली 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब आपको 50% से ज्यादा रिजर्वेशन है वो किसी को प्रोवाइड नहीं करवा सकते, विद इन 50% के अंदर आपको रिजर्वेशन है वो सभी को देना है, इससे ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। इसके बाद में देखो एक वर्ड और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वह बेसिक स्ट्रक्चर की बात। देखो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इंडिया में कहाँ से ली गई, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड को यहाँ पे हाईलाइटर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का जो सेकंड, हाँ बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात है ये देखो ली गई है इंडिया में जर्मनी से, ये इफेक्ट ध्यान में रखना है। और इसका जो मेन मुद्दा या जो मेन केस है वो यहाँ पे है सज्जन सिंह केस, ये ध्यान रखना है, जो कि 1965 में हुआ था, और इसमें ये चीज सामने आई थी कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर इसके साथ खिलवाड़ वगैरह नहीं किया जाए। तो ये सज्जन सिंह केस ध्यान रखना है कि 1965 में था और ये जर्मनी से बेसिक स्ट्रक्चर की बात है वो ली गई है। इसके बाद में आता है 1973 में केशव आनंद भारती, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। केशव आनंद भारती केस में ये कहा गया था कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी अमेंडमेंट करना है करिए, कोई बात नहीं है, बट आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फैक्ट है, जो उसका हड्डियों का ढांचा है, जो उसका मेन मर्यादा है, उसके साथ आप कोई भी तोड़फोड़ नहीं कर सकते, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप अमेंडमेंट है वो कर सकते हो, ये कहा गया था 1973 के केशव आनंद भारती केस में। इसके बाद में बात यहाँ पे आती है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और आता है। देखो हमारे देश में जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, इसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर डिफाइन नहीं किया गया है। चलो आप ये बताइए कि हमारे जो संविधान है इसके बारे में जो व्याख्या वगैरह करनी है, इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन देना है, वो किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, ये क्वेश्चन प्लीज और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दी है, केवल तीन चार वर्ड है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है इनको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि फेडरलिज्म हुआ, सेक्युलरिज्म हुआ, डेमोक्रेसी हुआ, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और इनको आप चेंजेस नहीं कर सकते। बट अभी तक ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं दी है बेसिक स्ट्रक्चर की, केवल ये तीन चार टॉपिकों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके बाद में देखो हम थोड़ा बैकग्राउंड और देखते हैं। देखो 1932 में आपको पता है पूना पैक्ट हुआ था, जो कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, और उस टाइम पे रिजर्वेशन की बात की गई थी कि किस किस को रिजर्वेशन देना है, वो का इस टाइम पे फोकस किया गया था सोशल बैकवर्ड क्लास को, कि जो लोग जो सोसाइटी में बैकवर्ड या पिछड़े रह गए हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 124वां अमेंडमेंट हुआ है ना, ये किसको रिजर्वेशन दे रहा है, ये दे रहा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमारे संविधान में जो रिजर्वेशन की बात की गई थी पहले, वो की गई थी सोशल बैकवर्ड क्लास के लिए, ना कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो अभी जो नया अमेंडमेंट किया गया है वो ये किया गया है कि भाई रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक सेक्शन को भी रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा, जो कि इकोनॉमिक हालत या उनकी आर्थिक हालत कमजोर है। तो ये फैक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी पूछ सकती है कि संविधान में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को एक तरीके से रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है, नहीं की गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है, केवल संविधान में जो पुराना हम जो हमारा मेन संविधान था उसमें सोशल बैकवर्ड ऑफ क्लास को ही रिजर्वेशन देने की बात है वो की गई थी। इसके बाद में देखो जो आर्टिकल 15(4) है वो क्या कहता है, आर्टिकल 15(4) ये कहता है कि भाई जो यहाँ पे हमारे देश में जो स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं, जो कि एजुकेशनल एरिया में बैकवर्ड रह गए हैं या फिर सोशली तरीके से बैकवर्ड है, मतलब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लास है उनको रिजर्वेशन दिया सकते हैं, मतलब 1951 के अंदर अमेंडमेंट में ये किया गया था, जो पहला अमेंडमेंट होता है उसमें ये चीज ऐड की गई थी कि सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना अभी तक रिजर्वेशन की ये बात थी और अभी इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और आर्टिकल 16(4) की हम बात करें तो वो ये कहता है कि एनी जो बैकवर्ड क्लास है जो कि यहाँ पे स्टेट के अंदर आ रही है उसको भी रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। तो देखो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो मेन संविधान में रिजर्वेशन की बात हो किस आधार पे की गई, वो बात की गई है सोशली और एजुकेशन बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात 124वें संविधान संशोधन जो कि 2019 में हुआ है उसमें की गई है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसके सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया कॉन्जेंटल सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। देखो ये एक रेयर डिजीज है, कंटेक्स्ट इसका ये आया था कि अभी जो यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि हमारे देश में जो हमारे कैपिटल है एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, वहां पे एक मतलब केस इसका डिस्कवर किया गया, तो कंटेक्स्ट कुछ खास नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जो जन्मजात केंद्रीय हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम है ये एक रेयर डिजीज है। रेयर डिजीज का मतलब ये होता है कि वो डिजीज जो बहुत कम गिने चुने लोगों में पाई जाती है,
और इसका जो दूसरा नाम है वो यहाँ पे है, वो आपको आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है ऑनलाइन कर्स। देखो ये बेसिकली एक पुरानी कथा, ये तो यार यूपीएससी नहीं पूछेगी, जो कि एक फ्रांस की पुरानी कथा में कहा गया है कि भाई वहां पे एक अप्सरा थी जिसका नाम था ऑनलाइन, और उसका जो हस्बैंड था वो मतलब एक तरीके से चीटिंग करता था, और इसीलिए उसने उसको मतलब एक श्राप दे दिया था कि आप जब भी सोओगे तो आपकी जो सांसें हैं वो आप मतलब सांस लेना ही आप भूल जाओगे। तो इस तरीके से था। अब होता क्या है इसमें, देखें सिंड्रोम में, देखो ये एक तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करती है। इसमें ये होता है कि जब भी जो पेशेंट है अगर वो सोता है तो धीरे धीरे उसे सांस लेने की जो शक्ति है वो खो जाती है, जिससे क्या होता है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जो कि कहीं ना कहीं घातक भी हो सकता है शरीर के लिए। तो अभी तक इसके पूरे वर्ल्ड में लगभग 1000 के आसपास केसेज है वो डिस्कवर किए गए। तो बस ये ध्यान रखना कि है क्या ये डिजीज। और वैसे जो जीन है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया तो वो एक बार आप देखना, PHOX2B, ये एक जीन होता है, इसके म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज है वो होती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है इंबेक्स 2018-19 एक्साइज को लेकर। देखो इंबेक्स एक्साइज है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में बायलेटर आर्मी एक्साइज है, यह ध्यान रखनी है, और इसका जो ये सेशन है ये आयोजित किया जा रहा है इंडिया में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे हरियाणा में इस बार इसका सेशन आयोजित किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो इसका ऑब्जेक्टिव है कि म्यांमार की जो आर्मी है या जो म्यांमार की आप बोल सकते हो कि सेना है उसको एक तरीके से यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा इंडिया के द्वारा, ताकि वो यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है उनमें वो पार्टिसिपेट कर सके, मतलब एक तरीके से म्यांमार की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज वो की जा रही है। नेक्स्ट जो छोटा सा आर्टिकल है वो है रोडियो के बारे में। देखो रोडियो है ना वो एक तरीके का रोबोट बनाया गया है, और यह इंडिया का एक पहला इनिशिएटिव, मतलब इंडिया में पहली बार एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जो कि रोड जो ट्रैफिक पुलिसमैन होता है उसकी तरह काम करेगा। तो एक तरीके से अर्ध यातायात पुलिसकर्मी के तौर पर काम करेगा, मतलब पूरी तरीके से ऑटोमेटिक नहीं होगा, इसमें कुछ गाइडेंस वगैरह भी दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरह का कुछ दिखता है। तो यह इफेक्ट ध्यान रखना है, पुणे में ये एक प्रोजेक्ट के बेसिस पे स्टार्ट है वो किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में। देखो सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो तेलंगाना गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यह ध्यान रखना है। कौन से रिवर पे है यह रिवर, बात करें गोदावरी रिवर पे है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि गोदावरी रिवर का पानी है वो सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत तेलंगाना में यूज है वो किया जाएगा, किसानों को बेनिफिट से मिलेगा और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इसका अप्रूवल वगैरह दिया, ये कंटेक्स्ट है। तो ये छोटी सी न्यूज थी जिसे हमने यहाँ पे कवर किया। अब हम देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हमारे देश में जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था 2016 है, इसको लेके है कि इसमें 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनको नागरिकता प्रोवाइड करवाई जाएगी विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, मतलब उनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसकी कंडीशन में भी, अगर वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हैं और इंडिया में 6 साल से कम रह रहे हैं उनको। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो चकमा रिफ्यूज हैं वो बुद्धिस्ट रिफ्यूज हैं और जो हिजोंग रिफ्यूज हैं वो हैं हिंदूज। तो ये आपको बताना कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कालिया स्कीम के बारे में। रिगार्डिंग कालिया स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो कालिया स्कीम है इसके तहत 10,000 रुपये पर फैमिली को खेती के लिए असिस्टेंट सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कालिया स्कीम है वो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो इन दोनों स्कीम के बारे में या इन दोनों इस स्कीम के बारे में हमने डिस्कस भी किया है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।